देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ज़िला से काफ़ी दूर है, इसलिए हमारे क्षेत्र के बच्चे सपने तो देखते हैं लेकिन उन तमाम मजबूरियों के कारण से वो सपने तक नहीं पहुंच पाते। उसी के एवज में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो चुका है लेकिन उसके भवन नहीं होने के कारण से कुछ समय के लिए चल रहा था, मगर अभी 26 तारीख को उसके भवन के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। सर, यहाँ जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया गया है, किस तरह की व्यवस्था होगी सर, उनको फीस देना पड़ेगा किस तरह की? नहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के तर्ज पे योग्य शिक्षक पढ़ाने के लिए लाए जाएंगे। और साथ ही साथ लक्ष्य तो ये है, अभी फिलहाल 50 सीट के शुरू होंगे व्यापम और UPSC स्तर पर, इसको PSC और तमाम जो कंपटीशन एग्जाम है जिसमें सैनिक स्कूल भी आ जाएंगे, इन सभी को ऐड करते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ज़िला से काफ़ी दूर है, इसलिए हमारे क्षेत्र के बच्चे सपने तो देखते हैं लेकिन उन तमाम मजबूरियों के कारण से वो सपने तक नहीं पहुंच पाते। उसी के एवज में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो चुका है लेकिन उसके भवन नहीं होने के कारण से कुछ समय के लिए चल रहा था, मगर अभी 26 तारीख को उसके भवन के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। सर, यहाँ जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किया गया है, किस तरह की व्यवस्था होगी सर, उनको फीस देना पड़ेगा किस तरह की? नहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के तर्ज पे योग्य शिक्षक पढ़ाने के लिए लाए जाएंगे। और साथ ही साथ लक्ष्य तो ये है, अभी फिलहाल 50 सीट के शुरू होंगे व्यापम और UPSC स्तर पर, इसको PSC और तमाम जो कंपटीशन एग्जाम है जिसमें सैनिक स्कूल भी आ जाएंगे, इन सभी को ऐड करते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एडमिशन 12वीं और ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नहीं नहीं, ये केवल सीतापुर विधानसभा के 3 ब्लॉक और समेत नावानगर क्षेत्र का ही पात्र होंगे।